बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने घरों पर कुछ उपाद होंगे। तो आज जो है, जैसे कि पता है आप लोगों को, 10 मुहर्रम हराम है और उसकी फातिहा वगैरह होती है, नियाज़ वगैरह होती है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से हमारा रोज़ा था, 9 तारीख का और 10 तारीख का रोज़ा रखना बहुत अफजल है मुहर्रम का। तो ऐसा ने मैंने सबने जो है वो रोज़ा रखा था 10 मुहर्रम का, 10 मुहर्रम का 9 और 10 दोनों तारीख का। अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 तारीख है, 10 तारीख का भी हमारा रोज़ा है। तो अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए हमें इस रोज़े में जो है वो सब्र इस्तिकामत की और इस रोज़े को खुशी के साथ जो है वो पूरा करने की। ठीक है, तो आज जो है वो फातिहा के लिए बनेगी बिरयानी, बनेगी नियाज़ इमाम हुसैन होगी, तो उसके लिए जो है हमने बनाना है चिकन बिरयानी और साथ ही बनेगा शरबत। तो आप लोगों के साथ दिखाते हैं, शेयर करते हैं। मैंने कोरमा रेडी कर लिया है और अब जो है वो चावल वगैरह तेल लगाऊँगी मैं, और साथ ही जो है वो बनाएँगे हम ऐसे बनाएँगे शरबत। तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं आगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन ऑल पर इंशाल्लाह, और आपको अच्छी अच्छी मज़ेदार सी जो है वो वीडियोस वगैरह मिलती रहेंगी हमारे चैनल। ये रात में मैंने दूध पका कर रख लिया था और 5 किलो दूध है हमारा ये, और 5 किलो दूध के अंदर अब हम जो है वो सबसे पहले ये डाल रहे हैं सन रू अफजा, नोरा से रू अफजा। ये ऐसे पे चलाते जाए ऐसे डाल दें, बहुत ज़्यादा डाल हो जाएगा कलर होना। अफजा डाला है और कलर साथ ही में सबका मैंने कली कर लिया था, तो अंदर जो है ना वो दूध वगैरह डाल के कलर डाल लें, उसके बाद फिर जो है उसमें सामान ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने छोटा जो है ना ये पिसावा थोड़ी को क्रश करा है, ठीक है, कद्दूकस कर लिया है और कई चाहिए। तो मैंने इलायची पाउडर को साबुन लाना है, वो ये कुंभलंगा और इलायची पाउडर डाल दिया, ठीक है, कुंभलंगा है हमारा और इसी गोदाम ये और डाल करो। चलिए मेवा डालें, वो तो बाद में डल जाएगा, फिर इसके बाद टेस्ट करवाइएगा। ये डाल दो तब ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कद्दूकस किया और कोपरा और इलायची पाउडर डाल दिया इसके अंदर मैंने, वो मैं डाल कोपरा अगर को लेकर आए नहीं आप। और अब जाएंगे इसमें कटे हुए बादाम, डालेंगे अपने हाथ से क्योंकि ये चम्मच इसमें है। तो मलंगे की बने हुए ना ये साथ में चम्मच हिलाएं, दबाएं चम्मच से, वो हो जाएगा साथ अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे कोरमा रेडी हो गया है मेरा, ये देखें जी कोरमा रेडी है। और साथ ही पतीले में चावल मैंने उबाल लिए हैं, उबाल के चावल निकाल लिए हैं, दो पार्ट्स में यहाँ डिवाइड कर दिए हैं। और अब जो है ना इसमें डालूँगी ऑयल, नहीं ऑयल नहीं डाल रही हूँ मैं, इसमें कलर डालूँगी यहाँ पर मैं कोरमा, ठीक है, कोरमा डाल रहे हैं इसमें, कोरमा डाल दूँगी इसमें, से पहले मैं सारा कोरमा साथ ही डाल दूँगी। ये प्याज, ये जो मैंने हरा मसाला जो है ना काट के रखा था, दिखा दूँ आप लोगों को, ये हरा मसाला काट के रखा था। हरा मसाला में मैंने टमाटर लिया है, पुदीना लिया है और साथ ही मैंने प्याज फ्राई की थी वो डाल दी है इसमें मैंने, और नींबू लिया है, ठीक है। और इसको हल्का सा मैंने गरम मसाला पाउडर छिड़क के और इसको मैंने ऐसे जो है ना इस तरीके से मिक्स कर लिया था, और अब इसको मैं जो है वो लगा दूँगी तेज़ के ऊपर इस तरीके से, इस तरीके से हम लगा देंगे इसके ऊपर। ये देखें जी इस तरीके से लगाना है हमने, और फिर अब क्या करेंगे, अब हम जो है इसमें जो दही वाला मिक्सचर बनाया था ना, दही के अंदर मैंने जायफल जावित्री का पाउडर और हल्दी, वो सॉरी जर्दे का रंग शामिल कर दिया था, और इसको मैंने इसके ऊपर जो है वो डाल दिया है, ठीक है।
तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बिरयानी है तो दम लग गया है अच्छे से, और देखें कितने धुआंदार से बिरयानी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये फातिहा हो गई, नियाज़े हुसैन हो गई है, इसके ऊपर शरबत है और बिरयानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से जो है वो निबट गया था, सब जगह जो है वो अच्छे से तकसीम कर दिया था नियाज फातिहा। तो फातिहा की जो है वो शरबत वगैरह, तो अब जो है हम रोज़ा खोलने, रोज़ा अफ्तारने बैठे हैं, और रोज़ा अफ्तार का टाइम हो चुका था यहाँ पर। और ऐसे हम गए थे समोसे लेने के लिए, समोसे क्योंकि मैंने कहा चने समोसे लिया है क्योंकि बिरयानी वगैरह तो मैंने बनाई हुई है, तो ऐसे समोसे लेने गए थे। इतने रमज़ान होने ही वाली थी बस, पता नहीं हमारी तरफ कोई समोसे नहीं मिल रहे थे, तो पता नहीं कहीं दूर से जाकर ढूंढ के लेकर आए हैं। तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूँगी मैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगा करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स जो आप लोग करते ही हैं अच्छे। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं बहुत मतलब मसरूफ़ रहने लगी हूँ, मसरूफ़ ऐसी मसरूफ़ नहीं रहने लगी, पता नहीं क्यों मेरा दिल उकता गया है वीडियोज़ बनाने से, पता नहीं क्यों क्या हो गया अचानक से, वरना मैं वीडियोज़ बनाने में सबसे पहले मैं सोचती थी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसके बाद कोई काम करूँ, लेकिन यहाँ पर मैं सब कुछ करने के बाद अगर फ्री भी होती हूँ तभी मेरा दिल नहीं करता कि मैं वीडियो अपलोड करूँ, पता नहीं खैर क्या वजह है। लेकिन अब ये है कि अब जो है मुझे इस वक्त ज़्यादा मेहनत करनी है, तो इस वक्त जो है वो मैं मेहनत बहुत कम कर रही हूँ, तो बस दुआ कीजिएगा कि मुझे जो है वो हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि मैं जो है वो आप लोगों के साथ रोज़ हमारा की रूटीन जो है अपनी शेयर करती रहूँ, अच्छी अच्छी जो है इन्फॉर्मेटिव सी वीडियोज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ अपने नेक्स्ट दूसरे चैनल पर। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा, और इसी दुआ के साथ मैं एंड करूँगी कि अल्लाह पाक हम लोगों को जो है वो अपने माँ बाप का फना मदार बना दे, हमें दुनिया आखरत की जो है भलाई नसीब फरमाए, और हमें पंच वक्त का नमाजी बना दे, कि पंच वक्त हमारी हम जो सब काम करते हैं लेकिन नमाज हमारी जो है ना वो निकल जाती है, नमाज की हम पाबंदी नहीं कर पाते और नमाज हमारी कज़ा हो जाती है, तो नमाज की कज़ा जो है वो बिल्कुल माफ़ नहीं है, इसलिए जो है वह नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक हमें वो मुसलमान बना दे जो जिसे तूने पसंद फरमाया है, ना बड़ा है ना मुसलमान नहीं हो हम पक्के वाले मुसलमान बन जाए, आमीन सुम आमीन। तो बस इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।